गाइज, अगर आपको बेस वाले गाने सुनने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना बेस वाले गाने के अंदर भी आप बेस ऐड कर सकते हो। और गाइज, ये किसी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से मैं नहीं बताऊंगा, ये केवल एक एंड्रॉयड मोबाइल से बताऊंगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, कैसे बेस को बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है आपके मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर है, इस प्ले स्टोर पर ओके कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप आ जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है बूम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ये वाली स्प्लिंग आपको सर्च कर लेनी है और इसको क्या करना है, यहाँ पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल वाले बटन पर ओके कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइस, इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर कुछ सेटिंग है ऐसी जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो रही है। और यहाँ पर तो गाइज, फाइनली हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको पहले एयरफोन लगा देने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एयरफोन लगाने के बाद की जो सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पे पूरी की पूरी कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो गाइज, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है कि आपके पास क्या है, मतलब ब्लूटूथ वाला एयरफोन है या फिर आप मतलब हेडफोन लगाते हो या फिर आपके पास कौन सा वाला है, ठीक है ना। तो आपके पास कौन जो भी हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। तो मेरे पास फिलहाल ये वाला है, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पॉपअप आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रोक वाले पॉपअप को ओके कर देना कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से ये कुछ सेकंड लेगा ये ओपन होने में। तो गाइज, ये ओपन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपकी साउंड जो टेस्टिंग है वो चल रही है, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो साउंड है वो आना बंद हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ पर ऑन करोगे, इसको बंद कर लोगे, तो यहाँ पे आपको इधर साइड का जो स्पीकर है वही चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल सारे को आप ऑन कर लीजिए और इसको यहाँ पे डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे स्किप कर लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्किप एक बार और कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी जो फाइल मैनेजर है वो यहाँ पे पूछ रहा है, अलाउ परमिशन दे देनी है इनको। तो गाइस, देख सकते हो आपके सारे के सारे सॉन्ग है जो वो आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी फिलहाल एक सॉन्ग लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको बेस कैसे बढ़ानी है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई सा भी एक सॉन्ग लेना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये वाला सॉन्ग है, मैं ये वाला सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सॉन्ग आने के बाद इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो ये आइकन दिखाई देगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इक्वलाइजर का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर एक जो ऑप्शन दिखाई देगा बेस बूस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे डन कर देना है। और गाइस, अब डन करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसको फुल कर लेना है, ठीक है ना। आपको इसको फुल कर लेना है और आपको इसको भी फुल कर लेना है, तो आपकी जो बेस है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यानी कि डबल हो जाएगी। अगर आपके पास कोई रिमिक्स गाना नहीं है फिर भी डबल हो जाएगी। तो आप इस चीज को ट्राई कीजिए, और पहले ट्राई कीजिए फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो, और इसके अंदर बहुत सारी सेटिंग है, आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसको डन कर लेना है। और एक चीज़ और बता दूँ, आप 3D स्पीकर पे जाइए और यहाँ पे आपने आपके जो भी सॉन्ग चल रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और अगर आपको इनको बंद कर लोगे इन तीनों को, तो यहाँ पर आपका इधर का जो साउंड है वही चलेगा। और यहाँ पर इसको भी बंद कर लोगे तो भी आपका यही चलेगा। और इसको पूरे को आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको यहाँ पर डन कर देना है। तो आप यहाँ पर चाहो जैसा गाना यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग है, ये भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज, अगर आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।